इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा और 20 करोड़ इंडिया ने तुरंत दे दिया। पर आजादी के कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कश्मीर को लेकर लड़ाई शुरू कर दी और फिर भारत सरकार ने फैसला लिया कि बाकी का पैसा हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि वादा किया है तो निभाना होगा और सरकार को वो 55 करोड़ भी देने पड़े। पर पाकिस्तान इन पैसों से यूएसए से हथियार खरीदता था और हमारे ही खिलाफ हथियार इस्तेमाल करता था, यानी कि हमारे पैसे से हमारे ऊपर ही बम फेंकता था। आजादी के बाद पाकिस्तान के पास ना तो कोई ऑर्डनेंस फैक्ट्री था, ना कोई रिजर्व बैंक था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पाकिस्तान के लिए नोट प्रिंट करता था। अगर हमारी सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेती तो शायद ये सब नहीं होता। आपका इन सब पर क्या विचार है?